हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिकल मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन का। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है और एनोड पे और कैथोड पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर भी डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। कैथोड पे आपको अलग प्रोडक्ट मिलता है, एनोड पे अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो कोल्स ने डी कार्बोक्सिलेशन के मेथड में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कराया, तो उसको कैथोड पे और एनोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। आज की रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं कैथोड पे और एनोड पे, और आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा होता है, और क्या उस इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटी है कोई और साइड प्रोडक्ट बनाने की। मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा भी हमें कोई और प्रोडक्ट मिले, ठीक है। देन हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से हेडिंग डालो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, है ना। आपसे अभी मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिकल मेथड है, किसका बच्चा? डी कार्बोक्सिलेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का इलेक्ट्रिकल मेथड है। क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इसमें H को रिप्लेस कर देते हो सोडियम या पोटेशियम से, तो आपने पॉजिटिव आयन को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव H को रिप्लेस कर दिया स्ट्रॉन्ग आयन से। तो जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग आयन से, जैसे यहाँ पर हमने ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपने क्या किया H को रिप्लेस कर दिया Na प्लस से और K प्लस से, तो ये अब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ये अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमें आयन्स चाहिए ना सॉल्यूशन में, तो आयन्स अगर सॉल्यूशन में चाहिए तो कम से कम हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया, ठीक है। अब कोल्स ने इसमें परफॉर्म कराया इलेक्ट्रोलिसिस। मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वाटर कोई LYSIS, वाटर की प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, देखो पहली चीज तो मुझे जो नजर आ रही है वो है ये कि यहाँ पे CO2 गैस रिमूव होती है। बच्चा ये R दिख रहा है आपको, एल्काइल पार्ट, ये दूसरे एल्काइल पार्ट से कंबाइन होकर R R बना लेता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद डाइहाइड्रोजन रिलीज होती है, ये दो गैसेस रिलीज होती हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वैसे तो आयन्स की फॉर्म में ही रहता है, Na प्लस और OH माइनस, लेकिन दोनों कंबाइन करके NaOH हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। बताओ क्लियर यहाँ तक? अब हम देखेंगे क्या कैथोड पे बनता है, क्या एनोड पे बनता है, कैसे ये डबलिंग होती है। वुड्स रिएक्शन में भी डबलिंग होती है ना, इसमें भी डबलिंग होती है एल्काइल पार्ट की, ठीक है। तो अब आते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। अभी मैंने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है, बैलेंस रिएक्शन आगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म।
हमने कौन सी रिएक्शन ली भाई, हमारी रिएक्शन है CH3COO-Na+। क्या है ये? ये है सोडियम एसीटेट। क्या करा रहे हो इसमें? इसमें बच्चा आप करा रहे हो वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस। अभी मैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रही, ठीक है? तो क्या होगा, ये बच्चा बनाएगा CH3 एंड CH3 प्लस आपका CO2 गैस रिलीज होगी प्लस डाइहाइड्रोजन रिलीज होगी और NaOH बनेगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब हमें ये देखना है कि एनोड पर और कैथोड पर क्या क्या बनेगा। तो एनोड का प्रोडक्ट देखते हैं पहले। एनोड पर प्रेजेंट होता है CH3COO-, ये क्या है? माइनस का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले रखा है, Na प्लस आया ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये इस भार को, सोडियम के इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का भार ये वापस कर देता है। लो भाई अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ो और ये बना लेता है CH3COO रेडिकल। जब दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था नेगेटिव चार्ज में और एक सोडियम का था, तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, रेडिकल बना लिया, राइट? प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत चालाक होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, उनको पता होता है क्या करना है एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो इसको आसानी से, इस रेडिकल को दिख रहा है कि भाई अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करवा दूं, अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, समझ पा रहे हो? ये बन सकता है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन करके क्या बना लेंगे? CO2 बना लेंगे। CO2 तो अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन उसी स्टेप में आगे बढ़ती है जहां पे एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाए और होता जाए। अब पूरी रिएक्शन में एनोड पर CH3 रेडिकल बच गया। अब ये बहुत दुखी है, क्यों दुखी है? ये इसलिए दुखी है क्योंकि इसके ऊपर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करके CH3 बना लेगा। अब आप कहोगे कि ये दूसरा CH3 रेडिकल आएगा कहाँ से? तो बच्चा यहाँ पर अगर एक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने एक मॉलिक्यूल एसीटेट का लिया और उसको रिएक्शन मिक्सचर में डाला और कहा कि चलो भाई रिएक्शन करो, नहीं होता ना ऐसा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ कैसे बढ़ रही है, कि यहाँ पर दो मोल्स होने चाहिए CH3 रेडिकल के और ये कंबाइन करके CH3 बनाएंगे। अगर ये दो मोल्स ऑफ रेडिकल के थे तो इसका मतलब यहाँ पर आपके दो मोल्स इसके रहे होंगे। अगर ये दो मोल्स हैं तो ये भी दो मोल्स रहे होंगे, और अगर ये दो हैं तो ये भी दो रहे होंगे। बैक स्टेप जा रहे हैं बैलेंसिंग के लिए, ये भी दो रहे होंगे। तो यहाँ पर अब दो लिख दो शांति से, इतना तो हमें क्लियर हो गया। ये बना हमारा एनोड पर। बताओ भाई क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम लोग कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर प्रेजेंट है पानी। पानी का होगा रिडक्शन, पानी का होगा रिडक्शन। तो वॉटर क्या करेगा? देखो जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले ऑक्सीडेशन के वक्त, उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आते हैं रिडक्शन के लिए। क्या बनाएगा ये? ये बनाएगा H2O और ट्वाइस ऑफ OH- आयन। मतलब यहां पर भी वाटर के कितने मोल्स होंगे? दो, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो इसे ध्यान से, क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या बना आपका कैथोड पर? H2 गैस का रिलीज हुआ, ये बन गया आपका कैथोड पर। यहां तक जस्टिफाइड है, बैलेंसिंग जस्टिफाइड है। अब आते हैं इस OH- आयन पे, OH- आयन पे। यहां से जो दो सोडियम आयन है, ये जो दो सोडियम आयन है, ये इस OH- आयन के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे? NaOH।
कितने बनाएंगे? दो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? दो। जो दो OH माइनस आयन है वैसे तो रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, है एक्वस है तो OH माइनस और Na प्लस की फॉर्म में रहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन स्टिल ये क्या बना लेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर इसे बैलेंस कर सकते हो, अब देख लो यहाँ आ गया दो टू, ये आ गया टू, ये आ गया आपका एनोड का प्रोडक्ट, ये आ गया आपका कैथोड का प्रोडक्ट, NaOH रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है भाई, आया यहाँ तक समझ में? ये था हमारा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर आपको अब कोई और ऐसा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए तो उसका कर लोगे, उसमें परफॉर्म कर दोगे कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस? चलो भाई जल्दी से मेरे साथ करो। आपको एक और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देती हूँ मैं, ठीक है? इसका ना बच्चा आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, वाटर के साथ ना इसकी रिएक्शन करानी है। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब तो हमें पता है कि दो मोल्स NaOH के और एक H2, तो यहाँ आ गया दो NaOH, यहाँ आ गया दो, यहाँ आ गया दो, दो मोल्स इसके, दोनों खत्म। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अच्छा, अभी जल्दी जल्दी मेरे साथ अपने प्रोडक्ट्स लिखो, इसके क्या क्या बनेगा भाई? एनोड पर क्या होगा? CH3CH2 इथाइल लिख दूं इसे? हाँ चलो CH3CH2 लिखते हैं। ठीक है, CH3CH2COO माइनस होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? CH3CH2CO ओ रेडिकल। अब ये बहुत चलाक मॉलिक्यूल है, इसको पता है क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ये क्या करेगा? यहाँ से आपका रिलीज होगा CH3CH2 बना, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था। तो अब इस CH3CH2 रेडिकल, इस CH3CH2 रेडिकल की और प्रोडक्ट्स बनाने की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोको, कैथोड का प्रोडक्ट पहले बताते हैं। कैथोड पर क्या होगा भाई? पानी का रिडक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आते हैं। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये बनाएगा H2 और ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन, जो Na प्लस के साथ कंबाइन करके ट्वाइस ऑफ NaOH बना लेगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ब्यूटेन का बनना क्लियर है? यहां से CH3CH2CH2CH3। अब इस रेडिकल की बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो रेडिकल है ना CH3CH2 रेडिकल, ये क्या करता है बच्चा? CH3CH2 रेडिकल ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। ये तो मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, नो डाउट, लेकिन अभी ये जो रेडिकल है ना ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। मेरे पास दो CH3CH2 रेडिकल है, तो ये क्या करता है? अपना एक H इसको डोनेट कर देता है इसको, या फिर ये कहो कि ये इसका एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या बनाएगा? ये वाला हाइड्रोजन CH2। जब ये हाइड्रोजन चला गया तो ये कंडीशन आएगी,
ये बनाएगा एल्कीन बनाएगा भाई, प्लस इसने इसका हाइड्रोजन लिया रेडिकल, एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है और रेडिकल किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, एल्केन का। तो क्या है ये रिएक्शन बच्चा डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ऑल्दो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। रेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, अगर टर्शरी रेडिकल है तो ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों नहीं हुआ, आप कहोगे मैम यहां क्यों नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, इसके पास कोई साथ वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट थी ही नहीं जिसको दूसरा मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट करता, क्लियर। जब साथ वाले कार्बन के पास वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी जिसे दूसरा रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर सके, तब डिस्प्रोपोर्शनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, क्लियर यहां तक भी। ऑर्डर ऑफ दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन ये क्या होगा, अगर टर्शरी रेडिकल है तो सबसे ज्यादा, अगर सेकेंडरी रेडिकल है तो उससे कम, प्राइमरी रेडिकल है तो सबसे कम। टर्शरी में मेजर प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन का होता है और प्राइमरी रेडिकल में डिस्प्रोपोर्शनेशन का प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है। जैसे इसमें इस पिछले क्वेश्चन में रेडिकल के साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो क्या हुआ इन दो मॉलिक्यूल में से इसने इसके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, है ना, समझ आ रहा है ना क्या बता रही हूं मैं। CH2H ये इस तरीके से क्लीव हुआ होगा बच्चा, CH2 बनाया होगा, ये हाइड्रोजन इसने ले लिया और एल्कीन बना लिया और एल्केन बना लिया। टर्शरी में मेजर प्रोडक्ट होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का और प्राइमरी रेडिकल में माइनर प्रोडक्ट होता है। अगर प्राइमरी रेडिकल होता है तो हम लोग कहते हैं देयर इज ऑलमोस्ट नो डिस्प्रोपोर्शनेशन, नेग्लिजिबल डिस्प्रोपोर्शनेशन का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। यहां तो हमने यहां तक क्लियर भी, मैकेनिज्म क्लियर, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम लोग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कराते हैं, ठीक है, और इसमें एनोड पर और कैथोड पर डिफरेंट कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो क्लियर, प्रोडक्ट बनाना अगर आ जाएगा तो वो आप कर दोगे। देन अब आपका एनोड और कैथोड पे डिफरेंट जो प्रोडक्ट बने वो, नेचर क्या होता है सॉल्यूशन का, यहां से पता लगा बेसिक नेचर होता है, डबलिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इस रिएक्शन से मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते, माइनर प्रोडक्ट भी बनते हैं अगर रेडिकल के साथ वाली कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो तो अगर मुझे मिक्स्ड सॉल्ट दे दिया जाए, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट, अभी तो एक ही लिया था ना हमने, जो सॉल्ट लिया है सोडियम और पोटेशियम का, अगर मैंने सोडियम एसिटेट लिया है तो सोडियम एसिटेट ही था, वो एक ही था, लेकिन अभी हमने क्या किया मिक्स सॉल्ट लिया, मतलब आप इलेक्ट्रोलिसिस किसमें परफॉर्म करा रहे हो, सोडियम एसिटेट में,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस, दो अलग अलग सॉल्ट लिए हमने, अगर बच्चा यहाँ आप इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कराओगे वाटर की प्रेजेंस में, अब क्या होगा जरा ध्यान से सोचना। मैं अब फाइनल प्रोडक्ट्स लिख रही हूँ नो बैलेंसिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा सी एच थ्री रेडिकल, मेन ध्यान दो, यहां से बनेगा सी टू एच फाइव रेडिकल। अब CO2 और NaOH और H2 तो बनेंगे ही, लेकिन CH3 रेडिकल, अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन का फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करके CH3 रेडिकल बना सकते हैं। क्या कहा था, ऐसा नहीं है एक है तो एक मॉलिक्यूल को पकड़ के हमने डाला है रिएक्शन कराने के लिए, इसका भी हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया और पकड़ा और रिएक्शन कराने के लिए, नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। CH3 हो सकता है C2H5 दूसरे C2H5 के साथ रिएक्ट करे, आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि ऐसे केस में हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत अच्छा मेथड है एल्केन प्रिपेयर करने का, लेकिन एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि एल्केन में कितने कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो इट इज अ बैड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन With odd number of carbon, क्योंकि क्या है ना उस केस में आपको दो डिफरेंट मिक्स सॉल्ट लेने पड़ेंगे और वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे और उन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को फिर आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, मतलब odd number of carbon prepare नहीं कर सकते एल्केन के। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चा क्वेश्चन में हमने पहला क्वेश्चन लिया जिसमें ये लो याद रखना, अभी बैलेंसिंग नहीं करनी, अभी हमें सीधा प्रोडक्ट लिखना है, तो हमें याद रखना है कि एल्केन के ऊपर रेडिकल आ जाता है और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, जल्दी से इसके प्रोडक्ट बनाओ। सेकंड, यहाँ COO माइनस Na प्लस, यहाँ COO माइनस Na प्लस, क्या करा रहे हो आप, आप करा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड, ठीक है, करो भी बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा देखो बच्चा, इसको हटा के रेडिकल लगा देना, ऐसा कर देने का। ठीक है, ऐसा कर दिया, रेडिकल बना दिया, ऐसे दो रेडिकल होंगे जो आपस में कंबाइन करेंगे, डबलिंग हो गई, बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे एक तो ये वाला सोडियम एसिटेट, ये जो ग्रुप है COO माइनस हटके यहाँ पर रेडिकल आएगा, एक यहां पर रेडिकल आएगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एल्कीन बना लेंगे। हो सकता है ये प्रोडक्ट भी बना लें, रेडिकल्स है ना, और प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, यहां ये दो रेडिकल है, ठीक है, ये दूसरी एल्केन है जिसके पास ये दो रेडिकल, आपस में कंबाइन कर लेंगे कार्बन और कार्बन, क्या बना लेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर भाई,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? इन दोनों में से ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में यहां पर रेडिकल आएगा और यहां रेडिकल आएगा, बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में बहुत क्लेवर होते हैं, अगर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है तो वो उसकी तरफ आगे भागते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड क्लीव हो जाए तो यहाँ एक रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल और ये डबल बॉन्ड, ऐसा ही कुछ बनेगा। ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ये दोनों रेडिकल भी आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं। एरोमेटिसिटी आ गई, बेंजीन बन गया, स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है? कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है? इसके लिए हमने क्या लिया? हमने लिया डाई सोडियम सक्सिनेट, CH2COO- Na+, यहाँ पे भी लिया CH2COO- Na+। बच्चा ये है डाई सोडियम सक्सिनेट, ये है डाई सोडियम सक्सिनेट, कराओ इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, वॉटर, और यहां आपने कराया ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होगा? यहां से ये हटाओ, ये ग्रुप हटाओ, क्या लगा दिया यहाँ पर? CH2 रेडिकल, यहाँ पे भी लगा दिया CH2 रेडिकल, अरे ये तो एल्कीन बन गई भाई। दो रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे? एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। देखो इसे ध्यान से, अगर एल्काइन बनानी होगी तो क्या यूज करोगे? यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए उस केस में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, COO- Na+, COO- Na+। ये डाई सोडियम मैलेट भी हो सकता है, फ्यूमरेट भी हो सकता है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, तो दिस कैन बी डाई सोडियम मैलेट और ट्रांस आइसोमर डाई सोडियम फ्यूमरेट, ठीक है? वाटर की प्रेजेंस में क्या करा रहे हो आप? करा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहां और यहां रेडिकल आएंगे, क्या बना लेगा ये? एल्काइन, क्या बना लेगा बच्चा? एल्काइन। आए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें कराओ इलेक्ट्रोलिसिस, के ई लिख दूं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें प्रोडक्ट बनाओ फिर, ठीक है? जल्दी से जो भी आपको मेजर प्रोडक्ट लगता है, CO- K+, यहाँ पर भी COO- K+, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर लिखा है ना मैंने, इसका मतलब ये है कि इसमें आप वाटर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे, ठीक है भाई? इतना बहुत है। -K+ यहाँ पर भी लगा दो, -K+ बनाओ अब प्रोडक्ट। KE मतलब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, KE का मतलब क्या है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ रेडिकल बनेगा, दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा,
ये बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। यहां पर अगर ये दोनों रेडिकल्स बनेंगे, कंबाइन करेंगे तो ये बनाएगा। यहां रेडिकल आया, यहां आया, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखो बस रेडिकल का फॉर्मेशन कर, यहां रेडिकल बनेगा और यहां आएगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। इधर देखो ये रेडिकल बना और ये रेडिकल बना, आपस में कंबाइन होंगे बीच में ऐसे, ऐसे ये दोनों आपस में कंबाइन, यहां पे रेडिकल यहां रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, ये बना दिया। ठीक है, तो दिस इज कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो यहाँ CO माइनस के प्लस, यहां पर भी COO माइनस के प्लस, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनाएगा ये? यहां रेडिकल आ जाएगा, आपस में कंबाइन कर लेंगे तो बना लेगा बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन। यहां रेडिकल ऐसी कंडीशन बनेगी ना, आपस में कंबाइन करके बना लेगा साइक्लोहेक्सेन। इसमें बताओ COO माइनस K प्लस, यहां पर भी। अब आप क्या करोगे, अगर मैं यहां पर कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कराती हूं तो मुझे बताओ ये रेडिकल बनेगा, इसको हटाया और रेडिकल लगा दिया, तो अब ऐसा भी हो सकता है आपस में दोनों कंबाइन करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर लें, लेकिन वो स्टेबल नहीं होती। सिक्स मेंबर रिंग पे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, तो वो नहीं बनता। तो क्या होता है, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके ये बनाते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पे ये होता तो माइनस के प्लस, यहां पर भी COO माइनस के प्लस, अगर आप इसमें कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, दोनों जगह रेडिकल आएंगे, दोनों जगह रेडिकल आ गया। अब यहां ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल होगा, एट मेंबर रिंग है ना, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। This is COO minus K plus. यहां पर आ गया आपका COO minus K plus. आपने कराया इलेक्ट्रोलाइसिस, वॉटर और A बनाया, फिर उसकी रिएक्शन Cr2O3 के साथ और Al2O3 के साथ कराई, या फिर सिलीनियम या पिलेडियम के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ क्या होगा भाई, सोचो जरा, खुद सोचो क्या होगा। ये आपका और ये हटके यहाँ पर रेडिकल लगा दो, तो पहले तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस से पहला प्रोडक्ट बना रही हूं, ये और ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये बना देंगे,
अब ये क्या करा रहे हो आप इसको? इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोएंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Cr2O3 के साथ या फिर सिलीनियम या पैलेडियम के साथ, तो आप क्या करा रहे हो, क्या करा रहे हो, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो इसका, तो यहां क्या बन जाएगी, यहां बन जाएगी एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH CO CH CO CH3। पहले आपने KOH के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां पर CH3 COO - K+ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, CH3CO यहाँ पर K+ आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, अब अच्छा एल्कीन बनाएगा ये, कौन सी एल्कीन स्टेबल होती है, सिस या ट्रांस, ट्रांस स्टेबल होती है, तो ये कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, ट्रांस एल्कीन। इसका प्रोडक्ट आप याद रखना HCOO - Na+ सोडियम फॉर्मेट। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H2CO2 H2 और NaOH, ठीक है, ये आपको एनोड पे मिलता है, ये कैथोड पे मिलता है और ये सॉल्यूशन में रहता है। ठीक है, क्लियर भाई, समझ आ रहा है? नाउ लास्ट COO - K+ COO - K+, इसमें अगर आप कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कराते हो क्या बनेगा, वही सेम करेंगे, इसको हटाएंगे और रेडिकल लगाएंगे, लगा दिया। मॉलिक्यूल्स अपने आप में बहुत क्लेवर होते हैं, उनको पता होता है क्या करना है एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसने अपना ये बॉन्ड क्लीव किया, यहाँ रेडिकल्स आए, इन दोनों ने कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लिया और इन दोनों ने कंबाइन करके दूसरा, तो क्या बन गया, बेंजीन। दिस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी एंड इज द मेजर प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है, कहाँ रिमूव होती है, क्या अगर आपको सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं तो आपको उसमें रेडिकल बना के किस तरीके से उनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ध्यान रखना है इसमें पहली चीज कि कैथोड पे और एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरी चीज ये कि आपका जो रेडिकल है उसके साथ वाली कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, हमेशा एक स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन आगे बढ़ती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच।